हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह का टाइम है और सवेरे सवेरे है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा धूप कम है अभी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट धो लेती हूँ अपना कपड़ा। और किसी ने कमेंट करके कहा था कि क्लॉथ वॉशिंग के ऊपर वीडियो बनाना, तो इसीलिए आज बना ले रही हूँ ये वाला वीडियो। और ये बस इतना ही कपड़ा है और ये हाथ से धोने वाला कपड़ा है। सब कपड़ों को मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो इन सबको अभी मैं सरफ में डुबा के रख रही हूँ, डुबा दे रही हूँ और धो दे रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा कपड़ा नहीं है, साफ़ है, ये एक दो बार पहना हुआ है। आजकल गर्मी का टाइम है ना, तो एक बार भी पहनने से कपड़ा गंदा हो जाता है। इसको ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ कपड़ा है, बस थोड़ा थोड़ा गंदा है। तो मैं यहाँ पे सरफ में डुबा दी हूँ और अब मैं साबुन लगा के इसको साफ़ कर दूँगी। सब में नहीं लगाऊँगी साबुन, देख देख के ही लगाऊँगी। और अगर ज़्यादा ही कपड़ा, बहुत ज़्यादा गंदा वाला कपड़ा अगर धोना है ना, तो उसको सरफ में डुबा के रख देना चाहिए आधा एक घंटा के लिए, तो वो गंदा बहुत साफ़ हो जाता है ऐसी। ये तो साफ साफ कपड़ा था करके मैं तुरंत डुबा के तुरंत धो दे रही हूँ। और ये है जेनी का फ्राक, इसमें थोड़ा सा लगा दूंगी साबुन और घिस दूंगी ब्रश से। यहाँ ना गर्मी में पानी का बहुत परेशानी हो जाता है, इसीलिए पानी ना बहुत संभल के खर्चा करना पड़ता है हम लोग को, इसलिए मैं बहुत कम कम पानी में कर रही हूँ। आज सवेरे भी पानी ज़्यादा आया नहीं, ऊपर तो चढ़ता ही नहीं है टंकी में, थोड़ा सा आया था बस थोड़ा देर के लिए। उसके बाद हम लोग बाल्टी से करके एक दो बाल्टी ले आए थे पानी, और थोड़ा सा टंकी में था कल दोपहर में जो भरे थे वो पानी। अब दोपहर में नल खुलेगा तभी भर पाएंगे पानी, और उस टाइम पे भी ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा देर ही आता है बस। और ये जो रखा हुआ है ना, ये डाइनिंग टेबल का कवर है जिसको मैं कल निकाली थी धोने के लिए। और ये वाला मेरा मिक्सी है जो थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं किचन में काम करते करते ना मेरा हाथ सीधा मिक्सी में ही जाता है, उसी से ही हाथ पोछते रहती हूँ दिन भर, तो मैं इसीलिए उसमें थोड़ा सा साबुन लगा के अच्छे से घिसती हूँ उसको। और मैं यहाँ पे निचोड़ लेती हूँ कपड़ा को, ताकि ये बाल्टी खाली हो जाएगा, फिर मैं दूसरा कपड़ा उसमें डुबा सकूँ। और अब मेरा कपड़ा धुल गया है, उसके बाद मैं डुबा दी हूँ इसको। और आज ना वो क्या बोलते हैं, बिट्टू का टेडी बियर भी रखा हुआ है लाल वाला, उसको भी धोना है, अभी बहुत धुल धुल हो गया है।
अब धुल गया है मेरा कपड़ा और अब मैं इसको बस निचोड़ के सुखा देती हूँ। ये लाल वाला बोल रही थी, इसको धोती हूँ मैं अभी। गर्मी में ना कपड़ों को धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में कपड़ा सुखाने से ना उसका कलर एकदम से निकल जाता है, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है, खासकर सूती कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा। मेरा चुन्नी उन्नी मैं पहले सुखा देती थी, वैसे कर करके पूरा ख़राब कर डाली हूँ। और ये रहा मेरा कपड़ा, धुल गया, सूख भी जा रहा है, और अब मैं इसको, ये छोटा छोटा कपड़ा कुछ कुछ रखा हुआ था, अच्छा ये वाला है, इसको भी धो लेती हूँ साथ में। अभी छोड़ दूँगी ना, बाद में करूँगी करके, तो फिर ये पड़ा रह जाएगा। ये बस ज़्यादा गंदा गंदा नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का धूल धूल था। तो अब धुल गया है ये मेरा, मैं इसको इधर सामने तरफ सुखा देती हूँ। इसको और मैं कैसे धोती, इसलिए खून खान के भारी भी तो इतना ज़्यादा हो गया था ना कि पूरा रुई से भीग गया था। और इसका क्या करती मैं, इसीलिए बस ऐसी करके सुखा दी इसको। और ज़्यादा पानी भी नहीं है ना कि मैं इसको टब में पानी भर के सरफ में डुबा के धोऊं, अगर मैं इसको सरफ वरफ में डुबाती ना और बहुत ज़्यादा पानी लग जाता, इसीलिए बस ऐसी कर दी ताकि बस इसका धूल निकल जाए, हो गया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई सा वीडियो बनाना है तो बता देना। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।